हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्रेस्ट कैंसर सो इसमें हम जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं स्टेजेस क्या क्या होती है ब्रेस्ट कैंसर की एंड इट्स डायग्नोसिस एंड अबाउट इट्स ट्रीटमेंट सो फर्स्टली ब्रेस्ट कैंसर सो ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ डिजीज़ इन विच सेल्स इन दी ब्रेस्ट ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल सो जब हमारी ब्रेस्ट की सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो करने लग जाती हैं देन ब्रेस्ट कैंसर कॉज होता है और ब्रेस्ट कैंसर किस टाइप का है ये इस पर डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट की कौन सी सेल्स कैंसर में टर्न हुई हैं ब्रेस्ट मेनली थ्री पार्ट से मेडअप होता है लोब्यूज डेंड कनेक्टिव टिश्यूज सो so, फर्स्टली uh, लोब्यूज लोब्यूज़ क्या होते हैं लोब्यूल्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं मिल्क का प्रोडक्शन लोब्यूल्स में ही होता है एंड डक्ट्स क्या होती हैं ये टाइनी ट्यूब्स होती हैं जो मिल्क को निप्पल्स तक कैरी करके ले जाती हैं एंड कनेक्टिव टिश्यू ये फैटी फाइब्रस टिश्यू कंसिस्ट करते हैं जो सबको एक साथ होल्ड करके रखते हैं सो मोस्टली ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर डक्ट्स या लोब्यूल्स से ही स्टार्ट होता है लोब्यूल्स जहाँ मिल्क का प्रोडक्शन होता है सो so लोब्यूल्स की इनर लाइनिंग से स्टार्ट होता है ये एंड ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स के थ्रू ब्रेस्ट के आउटसाइड भी स्प्रेड हो जाता है सो दैट इज़ अबाउट ब्रेस्ट कैंसर सो नाउ सिम्टम्स सिम्टम्स क्या क्या हैं ब्रेस्ट कैंसर के सो पेन इन दर्म पिट्स और ब्रेस्ट डेट डजेंट चेंज विद दी मंथली साइकिल आमपिड्स में मीन अंडर आर्म्स में और ब्रेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है जो मंथली साइकिल के साथ भी स्टॉप नहीं होता है मोस्टली क्या होता है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोनल फ्लक्चुएसन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन और इस्ट्रोजन में जिसके वजह से भी ब्रेस्ट पेन होता है बट अगर मंथली साइकिल स्टॉप हो गया एंड इवन दैन द पेन इज गोइंग सीवियर सो वी सुड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ओवर डॉक्टर एंड गो फॉर डायग्नोसिस एंड देन फर्दर ट्रीटमेंट सो नाउ सेकेंड सिम्टम इज पिटिंग और रेडनेस ऑफ द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट ब्रेस्ट के अराउंड की जो स्किन होती है वो रेड हो जाती है डिस्चार्ज फ्राम अ निपल पॉसिबली कंटेनिंग ब्लड ब्लडी डिस्चार्ज होने होना स्टार्ट हो जाता है निप्पल्स से एंड अ संकन और इन्वर्टेड निप्पल निपल्स अंदर की ओर धर जाते हैं सो दीज आर दिम्टम्स सो नाओ एज यू कैन सी इन दिस चार्ज कि क्या क्या साइंस हैं ब्रेस्ट कैंसर के सो लम्ब्स ब्रेस्ट में गांठे बनना स्टार्ट हो जाती हैं निपल डिस्चार्ज ब्लडी डिस्चार्ज होना इस्टार्ट हो जाता है निपल्स से डिपलिंग ब्रेस्ट में जगह जगह पे डिम्पलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है ब्रेस्ट और निप्पल पेन ब्रेस्ट या निप्पल्स में पेनिंग स्टार्ट हो जाती है निप्पल रिट्रैक्शन और इन्वर्शन निप्पल जो है वो इन्वर्टेड हो जाता है अंदर की ओर धस जाता है रेडनेस ब्रेस्ट में रेडनेस होनी स्टार्ट हो जाती है चेंजेस टू दी स्किन टेक्स्चर स्किन में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाती है ब्रेस्ट के अराउंड लिम्फ नोड चेंजेस लिम्फ नोड्स चेंज हो जाते हैं स्वेलिंग एंड ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ जाती है सो दीज आर दी साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सो नाउ स्टेजस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर क्या क्या स्टेजेस हैं ब्रेस्ट कैंसर की सो स्टेज जीरो से स्टार्ट होता है एंड स्टेज फोर तक एंड स्टेज बढ़ने के साथ साथ कैंसर भी बढ़ता जाता है सो स्टेज जीरो इस स्टेज में कैंसर मिल्क प्रोड्यूस करने वाली सेल्स तक ही सीमित रहता है बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक नहीं जाता है एंड स्टेज वन इसमें कैंसर सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और हेल्थी सेल्स को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं एंड नाउ स्टेज सेकेंड इस स्टेज में आकर कैंसर बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और बॉडी में स्प्रेड होना स्टार्ट कर देते हैं स्टेज थ्री इस स्टेज में कैंसर बोन्स को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है एंड स्टेज फोर इसमें आते आते कैंसर अनट्रीटेबल हो जाता है क्योंकि फोर्थ स्टेज तक आते आते कैंसर लंग्स लीवर बोन्स ब्रेन इन सबको अफेक्ट कर चुका होता है सो दीज आर द दज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सो नाउ रिस्क फैक्टर्स रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं ब्रेस्ट कैंसर के एज सो एज बढ़ने के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर भी बढ़ता जाता है अबउ फिफ्टी जो वुमेन होती हैं, उनमें इसका रिस्क ज़्यादा रहता है जेनेटिक्स फाइव टू टेन परसेंट ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक होते हैं इसका रीज़न बी आर सी ए वन और बी आर सी ए टू जीन्स होते हैं जो कि यूजुअली बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बट अगर इनमें असामान्य बदलाव हो जाए जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए तो इट कैन बी कॉज ब्रेस्ट कैंसर अ हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट लम्ब अगर ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट लम्ब्स की कोई हिस्ट्री हो तो भी रिस्क रहता है ब्रेस्ट कैंसर होने का डेंस ब्रेस्ट टिश्यू जिनके ब्रेस्ट की डेंसिटी अधिक होती है जिनमें वसा से ज़्यादा कनेक्टेड टिश्यूज़ होते हैं उनका रिस्क भी बढ़ जाता है डेंस ब्रेस्ट में ट्यूमर का पता लगाने भी बहुत मुश्किल होता है इस्ट्रोजन एक्सपोजर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग अगर इस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में लंबे समय तक अधिक मात्रा में रहे तो इससे भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है और ऐसी महिलाएं जिन्होंने छः महीने या एक साल तक अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराई हो तो उनमें इसका रिस्क बहुत कम हो जाता है बॉडी वेट मैनोपॉज के बाद ज़्यादा वेट भी कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है क्योंकि फैट सेल्स से ज़्यादा अमाउंट में इस्ट्रोजन सिक्रिएट करती हैं। एल्कोहल कंजप्शन अगर कोई वुमेन एल्कोहल का सेवन कर रही हो तो इससे भी रिस्क रहता है ब्रेस्ट कैंसर होने का रेडिएशन एक्सपोजर अगर कोई रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आया है तो इससे भी कैंसर होने का रिस्क रहता है सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सो नाउ डायग्नोसिस सो so, इसमें फर्स्ट है ब्रेस्ट एग्जाम इसमें डॉक्टर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करता है कि ब्रेस्ट में कोई गांठ तो नहीं बनी है या कहीं पे स्वेलिंग हुई हो कहीं पे रेडनेस हुई हो कहीं पे डिम्पलिंग हुई हो सो so ये सब ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में चेक किया जाता है सेकेंड इज़ इमेजिनिंग टेस्ट किया जाता है इसमें मेमोग्राम अल्ट्रासाउंड एम किया जाता है टू आइडेंटिफाई एनी एबनॉर्मलिटीज़ और कैंसर एंड बायोप्सी इन बायोप्सी बायोक्सी डॉक्टर एक्सट्रैक्ट सैंपल ऑफ टिश्यू एंड देन उसे लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है फॉर एनालिसिस सो इससे पता चलता है कि सेल्स कैंसरस हैं या नहीं सो so ये डायग्नोसिस है ब्रेस्ट कैंसर का सो नाउ ट्रीटमेंट क्या है ब्रेस्ट कैंसर के लिए सर्जरी इसमें लम्पेक्टॉमी सो so इसमें क्या होता है इसमें कैंसर या अदर जो एबनॉर्मल टिश्यूज़ होती है उनको रिमूव कर दिया जाता है मास्टिकटॉमी इसमें ब्रेस्ट से सब, सभी ब्रेस्ट टिश्यूज़ को रिमूव कर दिया जाता है एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एंड सेंटिनल नोट बायोप्सी, इसमें सेंटिनल uh, नोट को रिमूव कर दिया जाता है एक्जिलेरी लिम्फ नोड डिसेक्शन इसमें एक्जीला से लिम्फ नोड्स को रिमूव कर दिया जाता है रेडिएशन थैरेपी ये कैंसर ट्रीटमेंट है जिसमें कैंसर सेल्स को किल करने के लिए या स्रिंक करने के लिए हाई डोजेस ऑफ रेडिएशन यूज़ की जाती है एंड कीमोथेरेपी इसमें ड्रग्स का यूज़ किया जाता है टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स सो नाउ क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए अपना वेट ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है रोज़ व्यायाम करना है और जिन वोमेन को ब्रेस्ट कैंसर का हाई रिस्क होता है वो महिलाएं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में टेमोक्सीफिन मेडिसिन का यूज़ कर सकती हैं सो दैट इज़ ऑल अबाउट ब्रेस्ट कैंसर थैंक यू स्टे सेफ स्टे हेल्थी